राजधानी दिल्ली के अमन बिहार और सुल्तानपुरी एरिया में रात पीएफआई के मामले में पुलिस की छापेमारी हुई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके में शांति व्यवस्था बनाने के लिए स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। बता दें कि निजामुद्दीन और शाहीनबाग सहित कई स्थानों पर पीएफआई से संबंधित ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी के बाद मंगलवार को 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। देश के प्रत्येक सेक्टर से ये बातें उठने लगी थी कि जो पीएफआई लगातार देश में दंगे फैलाने में, आतंकी घटनाओं में, समाज में नफरत फैलाने में संलिप्त पाई जा रही है, इसको बैन किया जाए। हमारा देश विविधता में एकता का देश है और दूसरी तरफ से कहें तो एकता में भी विविधता है, उसको जो डिस्टर्ब करने की कोशिश पीएफआई ने सुनियोजित ढंग से की है और उसकी कई संस्थाएं, कई शाखाएं, उन सभी पे कार्रवाई होना बहुत ही स्वागत की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं और देश का हर सेक्टर इसका स्वागत कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पीएफआई ये भी सिखाती थी कि कैसे आईडी बनाना है, किन संसाधनों से बनाना है, किन घरेलू वस्तुओं से बना देना है। तो इतने के बाद भी अगर ऐसी संस्था एक सुनियोजित ढंग से देश में आतंक फैलाने में, दंगा फैलाने में, नफरत फैलाने में काम कर रहा है तो उस पे बैन लगाने के लिए भारत सरकार को बारंबार धन्यवाद करते हैं हम भी और हमारे जैसे करोड़ों लोग। बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों के पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। बता दें कि पीएफआई की स्थापना 2006 में केरल में की गई थी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।